ना पानी लाओ एक ग्लास। देखिए साहब, मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए, बस मैं जो कह रही हूँ आप वो कर दें। करेंगे, वो भी करेंगे जो आप कह रही हैं। आप पानी शानी पिए, मैं बस अभी फोन करके हाजिर होता हूँ। अगर आप फोन कर सकते हैं तो मैं भी एक फोन करूंगी, जिसके बाद आपको खासी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात सुने मिस, ये थाना है और इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ। हम यहाँ धमकियाँ सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और वैसे भी आप लोगों का क्या है, आज नाराज़गी है कल सुलह करके हमें मुश्किल में डाल देंगे। देखिए, ये आपका ख़ानदानी झगड़ा मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा क्या है, आपकी मर्ज़ी है। आप जिसके ख़िलाफ़ FIR कटाएं, वज़ीर या मुशीर जो भी है, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। तो फिर अपना काम कीजिए। मेरे वालिद इजाज़ दौरानी के खिलाफ अभी FIR काटिए। ओवेस, एक गिलास ठंडा पानी और लो। इतनी शर्मिंदगी मुझे आज तक जिंदगी में नहीं हुई। हर चीज की घात होती है वफा। अच्छा, और तुम लोग किस हद से वाकिफ हो? तुम लोग कि तुम हर चीज में मुझे क्यों घसीटे जा रही हो? एक जगह मैं तुम्हें संभालूं, एक जगह मैं अंकल को संभालूं। सही मुसीबत में फंस गया हूं यार मैं। तो मत संभालो मुझे, जिस पार्टी से हो उन्हीं को संभालो। मेरी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत में मजबूर हूं, वरना छोड़ देता। और तुम इन मजबूरियों से अच्छी तरह से वाकिफ हो। मोहब्बत, शहरोज, इस मोहब्बत में मत पड़ो, वरना तुम भी किसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस से गिन रहे होगे। कहा भी था मैंने अंकल को भी, ये सब कुछ ना कर। चारा असद अगर जिंदा बचा भी है तो पता नहीं किस हाल में होगा। फिक्र मत कर, नहीं बचेगा जिंदा। इजाज़ दौरानी ने बड़ा पक्का काम किया है। ये मत बोलो कि अंकल ने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में ही किया। कभी नहीं भूलूंगी। देखो, मैं जानता हूँ उन्होंने गलत किया, ज्यादती की है उन्होंने, सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करो वफा, तुम उनकी अकलौती बेटी हो, जान बसती है उनकी तुम में। क्या ये इतनी सी बात है? किसी और के बेटे को जान से मार डाले वो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ये मत भूलो कि उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में अंधे होकर किया है। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता, तुम असद के प्यार में अंधे होकर कोई एक्सट्रीम स्टेप मत लेना। शरोज, अगर ये तुम्हारे साथ भी हुआ तो तुम्हें यही करती, डैड के खिलाफ FIR कटवाती। इसके लिए मुझे तुम्हारे प्यार में अंधा होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत समझने की कोशिश करो, सिर्फ इंसान होना काफी है। समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, रिलैक्स।
होगा डैड। अरे अरे कुछ नहीं मेरा बेटा, बस वैसे ही सोच रहा था। एक बात बताऊं मुझे, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारा ये बाप किसी की जान दे सकता है या किसी पे जानलेवा हमला करा सकता है? तुम्हें कभी महसूस हुआ ऐसा? नहीं डैड। स्पेशली उस लड़के को, क्या नाम है, खुदा ना खास्ता उसकी जान दे सकता हूँ? नहीं डैड। तो फिर इसने कैसे सोच लिया ऐसा? उसके जेहन में ऐसी बात क्यों आ गई? शक करती है वो अपने बाप पे? आपने अच्छा नहीं किया डैड। अगर असद को कुछ भी हो गया तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगी। आप खो देंगे अपनी बेटी को भी। क्या कह रही थी वफा? क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा धमकी दे रही है मुझे कि अगर उस लड़के को कुछ हुआ तो खुदकुशी कर लूंगी मैं। लुकटा मेरी औला, मेरी बेटी मुझे ही धमकी दे रहे हैं। आपसे ही मिलने आई है। देखो वफा, असद की जान बच गई है, किसी को उम्मीद नहीं थी लेकिन वो बच गया है। ये सब खत्म करो यार। और एजाज ज़रानी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, तुम जानती हो ना कि उनका क्या स्टेटस है, क्या रेपुटेशन है उनकी। पता? नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम जिस दुनिया की रहने वाली ना, तुम्हें को बाहर की दुनिया का नहीं पता होता। अब क्या, बस करो, सब कुछ सही हो गया, आखिर वो तुम्हारे बाप है यार। क्या खत्म करूं, क्या ठीक हो गया है? असद की जो हालत है वो मैंने देखी है,
तो ये भी नहीं जानती कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा नॉर्मल होगा भी या नहीं। हो जाएगा वो नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो कौन कह सकता था कि वो बच जाएगा। कितने दिन लगेंगे, कितनी उम्मीद है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं, असद का भाई, उसके माँ बाप, असद खुद किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। और मेरे डैड इतनी आसानी से इस चीज से निकल जाएंगे, केस विथड्रॉ हो जाएगा। क्या इतना आसान है कि एक इनोसेंट आदमी को कत्ल कर देने के बराबर उसका टॉर्चर किया जाए और फिर वो इंसान इस सब चीजों से निकल जाए? क्यों? क्योंकि वो इस मुल्क के अमीर लोगों में शामिल होता है, इसलिए। अब देखो अनवर कह रहा था कि अंकल इजाज़ दौरानी के साथ मसले पर तैयार है, ठीक है, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, उसकी जॉब करवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अनवर को जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। बात पैसों की नहीं है, इंसाफ की, इंसानियत की है। देखो थिंक विद अ क्लियर हेड, ये सब हो जाने के बाद शायद अंकल तुम्हारी असद के साथ शादी पर राजी हो जाए। कौन सी शादी? इस हादसे के बाद असद तो बच गया, मोहब्बत मर गई। मुझे देखकर आंखें बंद कर ली उसने। कोई शादी नहीं होगी, इसमें डर जीत गया। ये तुम फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? एक एक जख्म ने मेरा दिल तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया है। कौन सी शादी, कौन सी मोहब्बत, कौन सी वफा जो उसके लिए घर से भागी थी, वो लड़की मर गई। इस मुआशरे में जंगल का कानून है, जिस इंसान के पास दौलत है किसी की भी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकती।